आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर वाले क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम में 101% सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने बिल्कुल आपके लिए इस क्वेश्चन को तैयार किया है, ताकि क्योंकि कम समय में आप पूरी बुक पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितना कब पढ़ेंगे, आपके मन में डाउट्स होगा, तो डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बिल्कुल आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 के अकॉर्डिंग मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चंस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूछा जाता है, दोनों में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, देन इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम, इसके कई और नाम हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम को का प्रतिपादन गोसेन ने किया था। गोसेन का एक और नियम है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेंगे तो सही है, जिसको हम गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है, गोसेन का द्वितीय नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, उस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे इसके साथ साथ, इसके तुरंत बाद आपकी बुक में मिल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के सामने को दर्शाइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हर साल इस क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से पूछा गया है, चाहे 4 मार्क्स में हो, चाहे 6 मार्क्स में हो, चाहे 3 मार्क्स में हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। देन आपको इस क्वेश्चन को चाहे रटे चाहे क्या भी करे, आपको याद करके जाना होगा। खासकर उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके लिए कहूँगा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही इस चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताओं को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग पर संचलन एवं मांग वक्र पर खिसकाव को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। मांग वक्र का संचलन एवं मांग वक्र का खिसकाव किसे कहते हैं। मांग वक्र का संचलन अर्थात मांग का विस्तार एवं मांग का संचलन, और मांग वक्र के खिसकाव के अंतर्गत मांग में वृद्धि व मांग में कमी के पड़ते हैं, और इसको चित्र के सहित आपको समझाना है। मांग वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है मांग लोच की श्रेणियाँ, और साथ ही साथ इस चैप्टर से मांग लोच ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, इनकी न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन के नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें आप पूछा था एक साधन प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो उसी में ये क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका लिंक मैं आपको मेरे वीडियो में अब देखेगा पूरा चैनल दिया हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल में, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जितने भी लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के में रख रहे हैं, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। 2018, 2019, 2020 उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, ठीक उदासीनता वक्र विश्लेषण की तरह।
देन आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, छोड़िएगा नहीं, रट के जाइए चाहे कैसे करके जाइए, लेकिन पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत के बारे में चित्र सहित लिखिए। कुल लागत की अवधारणा, औसत लागत की अवधारणा और सीमांत लागत की अवधारणा, ये कुल लागत वाले चैप्टर से है, और लागत वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इस चैप्टर से बेसिकली टेबल बनना भी आता है। टेबल कैसे फिल किया जाता है ये आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड। फिलहाल आपको पढ़ना है कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत की मीनिंग और उसके उदाहरण, और साथ ही साथ इसके चित्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, आगम से आप क्या समझते हैं, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम की अवधारणा को बताइए। आगम, आगम किसे, रावण मिस रेवेन्यू, आगम क्या होता है इसके अर्थ को बताना है, साथ ही साथ आगम की जो अवधारणा है से कुल आगम है, औसत आगम है और सीमांत आगम की अवधारणा है, इसको आपको समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तो साथ ही साथ इसका चित्र भी, इसके डायग्राम भी बनाना कंपलसरी होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए ध्यान में रखिएगा, आप डायग्राम का यूज़ अगर करते हैं क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों को बताइए। यहाँ पर पूर्ति की लोच के बारे में पूछा जाता है। पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पूछने के साथ साथ पूर्ति वाले चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है बाजार पूर्ति एवं व्यक्तिगत पूर्ति के में अंतर बताइए। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका, इसके बारे में पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि आपको बताना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत संतुलन के नाम से भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, कीमत संतुलन किस प्रकार से होता है। आपको इस क्वेश्चन में चित्र सहित बताना है कि किस प्रकार से मांग एवं पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किया जाता है। तो ये रहे 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपके प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम 2020-21 में पूछा जा सकता है। तैयार रहिए।